अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बनाने में भी बहुत आसान है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। स्टफिंग के लिए मैं ले ली हूँ 2 टेबल स्पून मूँगफली के दाने। मैं इन्हें रोस्ट कर लूँगी। इन्हें हल्का भून लेना है हमें। देखिए भून गया है। फिर इसमें डाल दूँगी मैं 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, 1 टीस्पून जीरा ले ली हूँ मैं, 1 टीस्पून सौंफ। सबको मैं अच्छे से भून लूँगी, हल्का सा भून लेना है बस। और फिर इन्हें पाउडर बना लेना है, हमें जलाना नहीं है, बस हल्का भून जाए। देखिए भून चुका है। मैं इन्हें अलग बर्तन में निकाल लूँगी। देखिए अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी। मैं बैंगन ले ली हूँ 1/2 केजी। मैंने सारे बैंगन को ऐसे ही कट कर ली थी, इसके डंठल में से ये निकाल दी थी ऊपर का हिस्सा, और मैं इनको ऐसे ही कट कर ली हूँ। दिखा रही हूँ आपको कैसे कट करना है। इसे 4 पीसेस में हो जाए, लेकिन नीचे ज्वाइंट ही रहेगा। देखिए इस तरह से कट कर लेना है। सारे बैंगन को मैं ऐसे ही कट करके रख ली हूँ। मैं इन्हें नमक के पानी में भिगो के रख दी थी। देखिए इसकी वजह से अंदर काला नहीं पड़ा है। और अब मैं इसका स्टफिंग तैयार कर लूँगी। मैं ले ली हूँ 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। वन टेबल स्पून ले ली हूँ मैं मिर्ची पाउडर। आप अपने हिसाब से कितना आप तीखा खाते हैं उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ले ली हूँ मैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ली हूँ मैं नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये पाउडर मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मूँगफली के दाने का मैंने पाउडर बना लिया था सारे मसालों का। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें डाल दूँगी मैं ये नींबू का रस, 1/2 नींबू का रस। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये अदरक लहसुन और हरा मिर्ची का पेस्ट बना ली थी मैं, उसको मैं 1 चम्मच डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये रेडी हो चुका है हमारा स्टफिंग। मैं इसे बैंगन के अंदर फिल करूँगी। एक एक बैंगन को लेना है और थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें भर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो हमें फ्राई करते वक्त ये सारे मसाले गिर के जल जाएंगे उसमें, तो हमें थोड़ा थोड़ा ही भरना है। इसी तरह से हमें सारे बैंगनों को भर लेना है। सब में थोड़े थोड़े मसाले डाल के अच्छे से फिल कर लेना है। सभी बैंगनों में मैंने मसाले भर ली हूँ। देखिए बैंगन रेडी हो चुके हैं। सारे बैंगनों को हमने अच्छे से भर लिया है। थोड़ा सा हमारा मसाला बच गया है, इसे हम ग्रेवी में यूज कर लेंगे। मैं ले ली हूँ यहाँ एक पैन, इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैं 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ इसमें, गर्म हो गया तेल। मैं इसमें सारे बैंगन ऐड कर दूंगी। सभी बैंगन डाल दिए मैंने इसमें। अब मैं इसे पलट पलट के सेक लूंगी अच्छे से। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे पलट पलट के सेक लेंगे अच्छे से। हमें ज़्यादा गलाना नहीं है इसे, तो हम थोड़ा देर ढक के रखेंगे इसको और पलट पलट के इसको सेक लेंगे। हमें इसे ग्रेवी में भी पकाना होता है, तो इसके लिए हम कम ही इसको इसमें पकाएंगे। देखिए कलर चेंज कर चुका है एक साइड में, अब हम पलट देंगे इसको।
ऐसे ही अलट पलट के हमें हर तरफ सेक लेना है बैगनों को। तीन चार मिनट हो चुके हैं हमें इन्हें फ्राई करते हुए, थोड़ा देर और रखेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बस इसे थोड़ा ज़्यादा तेल डाल लें और अच्छे से फ्राई कर लें और थोड़ा गला लें अच्छे से, और बिना ग्रेवी के भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगेगा। और ये देखिए हमारा बैगन रेडी हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे इसी में छोड़ दूंगी। मैं दूसरा एक बर्तन ले ली हूँ, उसमें डाल दूंगी मैं तेल। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने तेल डाल दी हूँ और राई के दाने डाल दूंगी मैं। 1/2 टीस्पून मैंने राई के दाने ली हूँ, इसमें ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून जीरा ले लूंगी, अच्छे से कड़कने दूंगी मैं इन्हें। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज, लेके कट कर ली थी बारीक, उन्हें ऐड कर दूंगी मैं। इन्हें अच्छे से भून लूंगी मैं। आप चाहें तो बारीक पीस सकते हैं मिक्सर में भी प्याज को। हमें इसे अच्छे से गलाना है, कलर भी चेंज हो जाना चाहिए और गल जाना चाहिए थोड़ा। मैं इसे थोड़ा देर ढक दूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। 1 मिनट तक गला लूंगी मैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। 2 टमाटर को मैंने काट ली थी छोटे छोटे बारीक टुकड़े में। हमें इन्हें अच्छे से गला लेना है, टमाटर और प्याज दोनों को। मैं इसमें मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। और 1-2 मिर्ची ली थी मैंने, दोनों बारीक काट ली थी और उन्हें डाल दी हूँ। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। मैं इसे ढक दूंगी, ढक के इसे 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दूंगी ताकि धीरे धीरे ये गल जाए। देखिए कैसे गल चुका है। अच्छे से गल गया ये। अब मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड कर दूंगी, ये पाउडर मसाला जो बच गया था वो भी ऐड कर दूंगी। ये लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हमने कलर के लिए यूज किया है। मैं ऐड कर दी हूँ और इसे अच्छे से भून लूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें और अच्छे से 1 मिनट तक भूनूंगी। इसे ढक दूंगी। देखिए कैसे तेल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगी, इसे पकने दूंगी। थोड़ा ही पानी डालना है। थोड़ा और पक जाए फिर इसमें बैगन ऐड करेंगे। देखिए कैसे गल चुका है, पूरा पक चुका है अच्छे से। मैं
इसमें थोड़ा पानी डालूंगी ग्रेवी को बढ़ाने के लिए। इसका गाढ़ा ही ग्रेवी रखेंगे हम, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब मैं इसमें सारे बैंगनों को ऐड कर दूंगी। इसमें बैंगन को डाल दी हूँ मैं, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं इसको स्लो आंच पर। मैं थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, मैंने टोटल हाफ कप पानी यूज़ की हूँ इसमें अभी ग्रेवी के लिए। इसको अच्छे से चला के ढक देंगे और 8 से 10 मिनट तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। मैं चेक कर लूँगी कि इसमें नमक कैसा है। ग्रेवी में थोड़ा नमक कम लगा मुझे, मैं थोड़ा सा और नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून तक। आप चेक करके अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पहले भी हमने नमक डाला हुआ था मसाले में, इसके लिए थोड़ा ही नमक डालना पड़ रहा है। हमें ग्रेवी को गाढ़ा ही रखना है, तो ये बिल्कुल सही है, मैं इसी तरह का चाहिए था ग्रेवी। अगर आप पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा और पानी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसे ढक दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए और फ्लेम को लो ही रखूंगी मैं। ये देखिए पक चुका है बिल्कुल, एकदम बढ़िया तैयार हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा बैंगन बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप भी आसानी से घर में बना सकते हैं। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।